जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन। गाइस, महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 इयर्स 2022 का कैपरॉन का फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली देखेंगे कि क्या कट ऑफ है महाराष्ट्र स्टेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, और किन लोगों का कंसीडर नहीं हुआ है, कंप्लीट एनालिसिस क्या है मेरिट लिस्ट को लेके। ओके, ये चीजें सभी कुछ देखने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लॉ सीईटी को लेके सारी चीजें आपको अपडेट मिलने वाली है, एग्जाम टू एडमिशन सब कुछ। सो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट है। सो हियर वी आर गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये कल रात में आया था फाइनल मेरिट लिस्ट राउंड वन के लिए, ये आउट हो गया है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिश्ड ऑन 13 अक्टूबर, ये रात में आया था। ओके, सो एक के बाद एक आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट भी हुआ रहेगा तो उस कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेना है। ओके, और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप हमारे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करिए, इवन व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि दैट आई वांट एडमिशन इन योर कॉलेज। ओके, सो आवर टीम विल गेट बैक टू यू। चलिए दोस्तों, अब मेरिट लिस्ट का क्या स्टेटस है वो भी देख लेते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट पब्लिश्ड आफ्टर द अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट। ओके, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये सबका 123 हाईएस्ट, 122 जो है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का हाईएस्ट दिया हुआ है, ये सारा पूरा लिस्ट आ गया है। ओके, एंड कॉलेज भी अलॉट हुआ है सभी को, ये देख सकते हो। एंड ये जो येलो है सीईटी फॉर्म स्कोर कार्ड रिलीज डॉक्यूमेंट इश्यूड, हाँ, और जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं है और है तो ये अगर येलो दिखा रहा है कलर के साथ तो इनका अभी भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। सो डॉक्यूमेंट वेरीफाई इनको कराना जरूरी है, बट अब इनका नाम जो है मेरिट में नहीं आएगा, कॉलेज इनको अलॉट नहीं होगा क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है। अब ये जो स्टूडेंट है इनको राउंड टू में जाना पड़ेगा। सो आपका स्कोर, आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे दे दिए हुए हैं। इसी के साथ आपके डैशबोर्ड पे आपको कॉलेज भी अलॉट हुआ रहेगा, आपने जो जो 10 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं आपके स्कोर के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको अलॉट हो गए रहेंगे। ओके, सो अब आपको जाके वहां पे एडमिशन लेना है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ये महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट था, और ये जो है अब आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, यहाँ पे भी हाईएस्ट जो स्कोर है 122 स्कोर है यहाँ पे भी। ओके, सो ये पूरा लिस्ट है ओएमएस स्टेट कैंडिडेट्स का। अगेन यहाँ पे जो भी येलो बॉक्स में है जिनका नाम, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। सो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप वेरीफाई कर लो। नेक्स्ट राउंड में भी अगर आपको हमारे कॉलेज में चाहिए एडमिशन तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नाउ, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी माइग्रेंट कैंडिडेट जेके हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कैप राउंड। तो ये JNK माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व रहता है सीट, तो 103 और 102 हरदीप सिंह एंड इंद्राक्षी चाकू, ये दो कैंडिडेट का नाम अलॉट हुआ है ये फाइनल मेरिट लिस्ट में। इनको भी आपके डैशबोर्ड पे देखना पड़ेगा, आपको कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, बिकॉज JNK के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे 13,845 है, 13,845 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दी फाइनल मेरिट लिस्ट 11,611, टोटल नंबर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट इज 9,843, टोटल नंबर ऑफ ओएमएस कैंडिडेट 1767, टोटल नंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड, टोटल नंबर ऑफ NRI कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट कंसिडर्ड 2,234, ये कंसिडर ही नहीं किए गए क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट सारे प्रॉब्लम थे। सो 13,845 स्टूडेंट ने पूरे कैप राउंड पे रजिस्टर किया था, इतने स्टूडेंट है, कॉम्पिटिशन इतना है। ओके, सो दिस इज द होल थिंग अबाउट द मेरिट लिस्ट ऑफ LLB 5 ईयर्स का। इसके बाद आपको अलॉट होगा कॉलेज। अब राउंड अलॉट होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबली वो कॉलेज से फोन भी आएगा कि आपको हमारे कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है, टेक द एडमिशन। सो ये सारी चीजें हैं, आपको वो कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।